नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में सरकार द्वारा धान के अवशेष जलाने पर रोक लगाने के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 148 किसानों पर FIR दर्ज कर ली। और कृषि विभाग के हरसेक पोर्टल के अनुसार अब तक फतेहाबाद में 600 के लगभग किसान पराली को आग लगा चुके हैं, जिससे जिले का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। वीरवार को फतेहाबाद में AQI रेट 325 के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। वहीं पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। कृषि विभाग के उप निदेशक बलवंत सहारन ने बताया कि फतेहाबाद में धान की पराली जलाने को लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही धारा 144 लागू कर रखी है। बावजूद इसके किसान लगातार पराली को आग लगा रहे थे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ धारा 144 की उल्लंघना के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। बलवंत सहारन ने बताया कि लगातार विभाग द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर निगरानी रखी जा रही है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। इसमें लगभग अब जो हमारे पास कल शाम तक है 600 से ऊपर का आंकड़ा पार कर गया है। 604 के आसपास हमारी कुल जो फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से जो है गांव स्तर की जो हमारी टीम है, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव, इनकी टीम ने लगभग 148 पर कल शाम तक हमने संबंधित थाना चौकियों में इनकी FIR दर्ज कराने हेतु एप्लीकेशन दे दी है। बाकियों पर अभी कार्रवाई जारी है। उनकी स्थित लोकेशन ट्रेस करके उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो 148 बाइने में जी? हाँ बिल्कुल, ये जो है जो हरसेक से लोकेशन आई है और कुछ बिना हरसेक की लोकेशन के भी हमने ट्रेस आउट किए हैं उन किसानों की। पटवार राजस्व विभाग के पटवारी को साथ लेकर के जिन किसानों की ज़मीनें हैं उनके नाम से हम बाई नेम करवा रहे हैं। 600 जो सामने हैं उन पे 600 के 600 पे मुकदमा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम जो है 600 जितने भी हैं इसमें कुछ हरसेक से हमारे पास अभी तक लगभग 90 के आसपास साइटें ऐसी आई जिनमें आग नहीं लगी है, या उनमें अभी हाल में धान खड़ा है या नरमे की फसल खड़ी है, तो वो तो नहीं होंगी जो हरसेक से आई। उसके अलावा जो बिना हरसेक के हमारे कोई वंचित रह जाती है वो भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, उसमें भी हम किसानों की FIR दर्ज करवा रहे हैं। अब जितना होगा हम पॉसिबल 100% तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जितने जो सही जेन्युइन केस होंगे सब पे हम FIR करवाएंगे। किसान मान नहीं रहे जी, कारण क्या है? किसान जी मान नहीं रहे, कुछ हद तक किसानों की मजबूरी है, लेकिन जितनी किसान जो मजबूरी की बात करते हैं शायद उतनी उनकी मंशा नहीं है कि इस पर कार्य किया जाए, क्योंकि किसानों को तो ये हो गया ना कि एक तिल्ली से ही हम इसको आग लगा कर इसको आगे वाले करके साफ़ कर दें। जबकि मैं ये बताना चाहूँगा कि साफ़ ज़मीन में ही कोई ज़्यादा खेती बढ़िया नहीं होती। ये 20 क्विंटल के आसपास भूसा पराल जो है इन सीटू मैनेजमेंट के तहत विभिन्न मशीनों से इसको ज़मीन में मिलाया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है आने वाली फसल के लिए, और जो जीवांश की मात्रा ज़मीन में बढ़ती है।